तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आप किसी भी वाईफाई के थ्रू आप ब्लॉक हो चुके हो तो उसे आप कैसे अनब्लॉक करें। तो इसके लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा एक एक स्टेप डिटेल में। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उस स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई सा भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले एक काम करना है, आप अपना दूसरा मोबाइल ले लीजिए और जिस वाईफाई से आप ब्लॉक हो चुके हो उससे आप कनेक्ट हो जाइए। पहले कनेक्ट होने के बाद आप वाईफाई का सेटिंग में चले जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आपको जिस वाईफाई से कनेक्ट हो उसे टैप एंड होल्ड करना है। टैप एंड होल्ड करने के बाद आप वहाँ देख सकते हैं एडवांस सेटिंग या मॉडिफाई सेटिंग आ गया है, उस पर टैप करिए। टैप करने के बाद आप वहाँ देख सकते हैं आईपी सेटिंग को स्टैटिक कर दिए और नीचे देख सकते हैं आप यहाँ आईपी एड्रेस और गेटवे आ गया। अच्छा, गेटवे को पूरा कॉपी कर दीजिए। कॉपी करने के बाद आप अपने ब्राउज़र में चले जाइए, क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आप वहाँ सर्च कर दीजिए। सर्च करने के बाद आप इंटर मार दीजिए। इंटर मारने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा। तो उसके जगह पर आप एडमिन और पासवर्ड में भी एडमिन डाल दीजिए, जो कि इस तरह। यहाँ खुलने के बाद आप यहाँ रिक्वेस्ट टू डेस्कटॉप सेलेक्ट कर दीजिए, जो कि आपको बेहतरीन इंटरफेस देगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ वायरलेस क्लाइंट पर जाकर देख सकते हैं कितना डिवाइस अभी एक्टिव है। ये देखिए दो डिवाइस एक्टिव है। और उसके बाद आपको चले जाना है सेट एडवांस में। यहाँ जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ ढेर सारा ऑप्शन है, मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। पहले यहाँ देखिए पेरेंटल कंट्रोल में जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, बट इस तरह का इंटरफेस से आपको बचना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली पेरेंटल कंट्रोल पे टैप एंड होल्ड किए रहना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ मैक ब्लॉक पे चले जाइए। मैक ब्लॉक पे जाने के बाद आप यहाँ आप देख सकते हैं जितना डिवाइस ब्लॉक किया हुआ है, यहाँ आपका उसका टेबल बना हुआ है। तो आप अपना डिवाइस को पहचाने कैसे, तो उसके लिए पहले आप अपना देख लीजिए, सेटिंग में चले जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ अबाउट डिवाइस में जाइए। यहाँ जाने के बाद स्टेटस में चले जाइए। स्टेटस में जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं वाईफाई मैक एड्रेस लिखा हुआ। आपको वाईफाई मैक एड्रेस को आपका वाईफाई मैक एड्रेस को देखना है और उसे देख के अनब्लॉक कर देना है। जैसे यहाँ किसी का भी डिवाइस सेलेक्ट कर दीजिए आप। सेलेक्ट करने के बाद डिलीट सेलेक्टेड कर दिए। डिलीट सेलेक्टेड करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ रिमूव कुछ देर में हो जाएगा, जिसकी मदद से आप उसके बाद अपना वाईफाई चला सकते हो बिना किसी इशू के साथ। तो बस ये था आज का वीडियो। अगर आपका वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप वाईफाई का पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कोई सा भी सुझाव हो नीचे कमेंट कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।